आबकारी विभाग द्वारा कच्ची शराब कारोबारियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाकर धरपकड़ करने के साथ उनकी तैयार कच्ची शराब और भट्टियों को तोड़ने का अभियान लगातार जारी है, जिसके तहत मंगलवार को आबकारी विभाग द्वारा रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के कठहूर अमृतानी और झंगहा थाना क्षेत्र के जंगल रसूलपुर के कटहरिया में विभाग द्वारा स्थानीय पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त कार्रवाई में छापेमारी किया गया। इस दौरान लगभग 90 लीटर अवैध कच्ची शराब और 9000 किलोग्राम लहन नष्ट करने के साथ भट्टियों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। साथ ही इस मौके पर कच्ची शराब बनाने वाले 3 अभियुक्तों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया। इस संबंध में आबकारी निरीक्षक राकेश त्रिपाठी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे परिवर्तन अभियान के अंतर्गत अवैध कच्ची शराब के संदिग्ध स्थलों पर दबिश दी गई। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आबकारी निरीक्षक सेक्टर 2 राकेश त्रिपाठी ने कहा, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में आबकारी विभाग द्वारा प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है अवैध और कच्ची शराब के खिलाफ। उसी के क्रम में आज की कार्रवाई की गई है। आज की कार्रवाई थाना रामगढ़ताल के अंतर्गत कठौर अमृतानी में और थाना झंगहा के अंतर्गत जो है जंगल रसूलपुर नंबर 2 कटहरिया में जो है दबिश की कार्रवाई की गई है। कुल 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद किया गया है। लगभग 9000 किलोग्राम के आसपास लहन नष्ट किया गया है। 12 भट्टियाँ तोड़ी गई हैं और 3 लोग के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कोयली पत्नी सुग्रीव, इश्रावती पत्नी ब्रिजभार और बेली पत्नी वर्मा, 3 लोग के विरुद्ध जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है।